हेलो फ्रेंड्स, मैं होरान और आज मुझे जिस जगह पे उस जगह का नाम है बग्गर, इसे रामगढ़ भी कहते हैं। ये किश्तवाड़ बटोट हाईवे पर बटोट से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। जो लोग जम्मू से डोडा, किश्तवाड़ या भद्रवाह जाते हैं वो लोग यहाँ पे लंच जरूर करते होंगे। ये जो आप मेरे पीछे ढाबा देख रहे हैं इसका नाम है शर्मा वैष्णो ढाबा और ये यहाँ का बहुत फेमस ढाबा है। यहाँ के राजमा चावल बहुत फेमस है और राजमा चावल के ऊपर देसी घी और साथ में अनारदाना की चटनी भी देते हैं। आप देख सकते हैं ये ढाबा 1955 से यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी हम अंदर चल के लंच करते हैं। इस वक्त इस ढाबा के ओनर मदन लाल शर्मा जी हमारे साथ है, आया इनसे बात करते हैं। अंकल, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने यहाँ पे काम शुरू कब से किया? बेसिकली तो हम उधमपुर के हैं, मगर अब यहीं सेटल हैं। अब रास्ते में कोई ऐसा स्टॉप ही नहीं था जहाँ पर कोई गाड़ियाँ रुके या बस या ट्रक वगैरह को खाने के लिए कुछ मिलता था। तो शुरू में मेरी एक चाय की दुकान हुआ करती थी, मट्ठी और चाय वो मैं बेचा करता था। उसके बाद आस्ता आस्ता जब देखा कि मुसाफिर खाने के लिए चाय और मट्ठी से गुजारा करते हैं तो मैंने राजमा चावल का काम शुरू कर दिया। अब दो दो तीन तीन मट्ठी खा के चाय का कप पी के गुजारा करते थे कि चलो खाना क्या खाना है, अब मिलना तो अब मिलेगा तो नहीं। चलो उससे दिमाग में आया कि चलो हम क्यों ना राजमा चावल का काम शुरू कर दें। तो हमने थोड़ा थोड़ा दो दो किलो से काम शुरू कर दिया राजमा बनाना आस्ता आस्ता। आपकी यहाँ पहली दुकान थी और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुल गई है, तो आपके काम को कुछ फर्क पड़ा है? फिर चाय की दुकानें और खुली आस्ता आस्ता से, 10-20 साल के बाद फिर राजमा चावल की दुकानें खुलने लगी। उससे काम ज़्यादा बढ़ने लगा, जितनी दुकानें खुलने लगी काम बढ़ने लगा। काम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पोजीशन आ गई कि बसें रुकनी शुरू हो गई। क्या बसें? अब क्योंकि होटल 5-10 यहाँ इकट्ठे हो गए, उसकी वजह से क्या हो गया कि बस का स्टाफ भी ये बन गया। हाँ, तो बस वालों को ये पता था कि यहाँ पर अगर मार्केट में हम गाड़ी लगाएंगे तो हमको खाना यहाँ मिलेगा। पहले हमारा ट्रक का काम हुआ करता था या लाइट व्हीकल का, जैसे कार जीप वगैरह हो गई या डोडा भद्रवाह के ऑफिसर वगैरह ये चाय वगैरह राजमा चावल खाया करते थे। आप कितने बजे दुकान खोलते हैं और कस्टमर कितने बजे आना शुरू करते हैं? 7 बजे से ही खाना शुरू कर लेते हैं राजमा चावल, क्योंकि वो तो परौंठा का नाम ही नहीं लेते हैं सीधे, उनको ये मालूम है कि राजमा चावल मशहूर है यहाँ का। क्या किसी कस्टमर ने खाने की कंप्लेंट की? जब तो ठीक, ये कभी भी किसी ने ये कंप्लेंट नहीं की आपका खाना अच्छा नहीं है, मैं खाने के बाद शुक्रिया अदा करता कि बहुत अच्छी रोटी है आपकी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शर्मा वैष्णो ढाबा के ओनर मदन लाल शर्मा जी। आप जब भी बगर से निकले तो यहाँ खाना जरूर खाना।